ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के अंदर कैसे काम करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट फाइलिंग, आदर एंड तथा बेटा, कैन यू प्लीज टेल के फाइलिंग की जरूरत क्यों है? एनीवन, टू स्टोर डेटा। अगर आप ये बात कहते हो कि फाइलिंग की नीड हमें टू स्टोर डेटा की वजह से, तो बेटा ये बात गलत हो जाएगी। उसका रीजन बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्टोर डेटा हो रहा है। तो हमने जो लास्ट टाइम बात की थी एरेज, पाइथन के नाम उसको लिस्ट के नाम से चला रहे हैं, उसमें भी तो डेटा स्टोर हो रहा था। फर्क क्या है? एरेज ले लो, इवन हम वेरिएबल में भी तो डेटा स्टोर ही करते हैं बेटा। एनी टाइप, एरे में भी एनी टाइप चले जाता है, वेरिएबल में भी एनी टाइप चले जाता है। आदिल बेटा, बात सारी की सारी ये है कि व्हाई व्हेन वी यूज एरेज एंड वेरिएबल्स, ये आपके स्टोर डेटा इन रैम, एंड रैम यू ऑल नो दैट इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब कि आपने जैसे ही अपना प्रोग्राम बंद किया, चाहे आपने लिस्ट बनाई है या वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है, फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस। फाइलिंग में हम डेटा क्यों स्टोर करते हैं? इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। क्यों? क्योंकि ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा लेके जाती है, एंड योर सेकेंडरी स्टोरेज इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जब भी हमें कोई डेटा परमानेंट स्टोर करना है, बाद में फिर कभी वापस चाहिए होगा, तो हम किसमें यूज करेंगे? फाइलिंग में। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ फाइल। थोड़ा बहुत पेपर 3 इसमें कवर अप कर देंगे और फिर हम डायरेक्ट उसको उसमें लेके चलेंगे। टाइप्स ऑफ, अगर फाइल की बात करें, तो हमारे पास दो तरह की फाइल होती है, एक होती है टेक्स्ट और एक होती है आपके पास बाइनरी। टेक्स्ट में कौन सा डेटा आता है? नाम से पता चल रहा है, टेक्स्ट के डेटा को स्टोर करेगी। बाइनरी में कौन सा डेटा आ जाता है? बाइनरी के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा साउंड, इमेजेस, वीडियोस, ये सारी के सारी बाइनरी में जाती है। इसको हम रैंडम फाइलिंग की तरफ जाएंगे तो बात की बात है। फिर उसमें टाइप्स ऑफ फाइलिंग में मोड्स भी आते हैं, सीरियल, सीक्वेंशियल, रैंडम मोड्स ऑफ फाइलिंग है। हमारे पास अभी फिलहाल हम सीरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम फिलहाल बेसिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में ज्यादा सीरियल ही आएगा, सीक्वेंशियल इतना बड़ा कोई वो नहीं है, बहुत इजी है, हो जाएगा। यहां तक कोई मसला? आदिल, अब बात करते हैं कि हमारे पास डेटा में, हम फाइल में डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम प्रॉपर फाइलिंग की बात करें, पहले हम बात करते हैं कनेक्शन, राइटिंग की।
अच्छा, मैं पहले सारी थ्योरी पढ़ा के इसके बाद फिर इसको मैं सारे यहाँ पे आपको सिंटेक्स वगैरह सब कुछ बताता हुआ जाऊंगा। अब बात ये आ जाती है आपके पास कि राइट कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है। कनेक्शन क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आप प्रोग्राम देखो, अब मसला क्या है कि हमारे पास होता है टर्मिनल, या कह लो कि हमारे पास होता है कंसोल, जिसमें हम कोड लिख रहे होते हैं, सही है। और ये जो आपकी फाइल है वो कहाँ पे होती है, आपकी SSD या SSD के ना हार्ड डिस्क में होगी। इन दोनों के बीच में आपने कनेक्शन बनाओगे तो ही तो डेटा होगा। अब या तो फाइल में डेटा लिखोगे या रीड करोगे या राइट करोगे, बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाते। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है, आप ये कह सकते हो कि फाइल हैंडलर का नाम लिखते हो, इक्वल्स टू, फिर आप बनाते हो एक फंक्शन यूज करते हो ओपन का, ब्रैकेट ओपन, उसमें आर्गुमेंट्स पास करोगे। आर्गुमेंट याद रहे हमेशा स्ट्रिंग में होते हैं, फाइल नेम डॉट txt कॉमा मोड इज इक्वल्स टू। अब आप राइट करना चाह रहे हो, रीड करना चाह रहे हो, अपेंड करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम मैंने अभी सिर्फ एक राइट का बनाया। ये क्या करेगा, एक फाइल का कनेक्शन बना देगा। उसमें लिखते कैसे हैं, लिखने के फंक्शंस क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, राइट राइट लाइंस, रीड रीड लाइंस या रीड लाइन, बहुत सारे हैं, उसको आज से डिस्कस करेंगे। जब आपने फाइल बना दी, इसके बाद आपको इसको क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज कैसे की जाती है फाइल, आप लिखते हो फाइल हैंडलर का नाम, ठीक है, डॉट क्लोज। अगेन जैसे यहाँ पे ओपन एक फंक्शन था, उसमें आपने पैरामीटर्स पास किए थे, क्लोज है, क्लोज में कोई भी पैरामीटर्स या मतलब आर्गुमेंट्स पास नहीं होते, सिर्फ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज खत्म। ये फाइल का कनेक्शन बना के फाइल का कनेक्शन खत्म करता है। फाइल क्लोज करना क्यों जरूरी होती है, जब आप फाइल क्लोज करते हो तो आपके हर सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन गार्बेज कलेक्टर होता है, वो सारे डेटा गार्बेज कलेक्ट करके उसको खत्म कर देता है, मतलब सारा डेटा भूल जाता है, मेमोरी से क्लियर करता है। अब इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, मैंने सपोज फाइल हैंडलर की जगह एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, एफ इज इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम, cs.txt कॉमा मोड इज इक्वल टू रन। ये सिंटैक्स है किसमें, पाइथन के अंदर। यही सिंटैक्स अगर मैं इसकी बात करूं कि क्लोज कैसे करोगे, तो फाइल हैंडलर का नाम क्या लिखा है आदिल, आदिल मैंने जब फाइल को ओपन किया है तो फाइल हैंडलर का नाम क्या लिखा हुआ है। हाँ बेटा, मैं फाइल हैंडलर की बात कर रहा हूँ, फाइल नेम इज वासिक सी एस डॉट टी एक्स टी। फाइल हैंडलर देखो ये रहा, क्या है, एफ है, ओके दिस इज। अब देखो ना, इसके बिल्कुल मैंने उसी के नीचे लिखा है, फाइल हैंडलर, फाइल हैंडलर, ओपन का फंक्शन, ओपन का फंक्शन, फाइल का नाम, फाइल का नाम, मोड, मोड। अब मोड कौन कौन से हो सकते थे, बहुत सारे हो सकते थे। अभी हम फिलहाल W का मतलब होता है राइट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मोड
लिख दूं, बल्कि मोर ना लिखूं, ये हटा दूं, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर जो मोड होता है दैट इज रीड। मतलब अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, आप ये प्रैक्टिकल में आराम से कर सकते हो। आपने कहा एफ ओपन वासिक सी एस डॉट टी एक्स टी, ये बाय डिफॉल्ट किसके लिए ओपन हुई है? चला फॉर रीड, परफेक्ट। ये चीज क्लियर है? अगर मोड मेंशन नहीं करोगे बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? आपका ये होगा। हाँ, अब अगर आप ये भी लिखते हो वासिक सी एस डॉट टी एक्स टी कॉमा इनवर्टेड कॉमास वो डब्ल्यू, तो ये भी कंफर्म है, ये ऑटोमेटिकली पता है कि मोड है। बस जब आप इस तरह लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस मैटर करती है, पहले फाइल का नेम आएगा फिर मोड आएगा। क्यों सीक्वेंस मैटर करती है? फाइल के अंदर सिर्फ इतने से आर्गुमेंट्स नहीं होते, टोटल तीन चार और होते हैं, एनकोडिंग भी होता है, बफरिंग भी होता है। फिलहाल हमें उन पे नहीं जाना, हमारा काम फिलहाल यहाँ तक ही है। ये चीज क्लियर है? अब चलते हैं कि हम फाइल में डेटा लिखते कैसे। राइटिंग इन टू अ फाइल, राइटिंग के अंदर आपके पास करता क्या है? हमें ओपन मोड बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फैसिलिटी ऑफ राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल। अच्छा, राइटिंग के मोड जो होते हैं, एक सेकंड, मैं मोड अलग से पढ़ा दूंगा अभी। लोगों को मोड्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं इस पर। इसको अभी फिलहाल भूल दो। आपके पास क्या क्या मोड, ये किसके मोड्स ऑफ टेक्स्ट फाइल, अभी हम फिलहाल टेक्स्ट फाइल की बातें कर रहे हैं, बाइनरी फाइल्स की बातें नहीं कर रहे। ओके, एक होता है आपके पास जो बाय डिफॉल्ट होता है दैट इज आर। आर क्या करेगा? चला रीड करेगा, तो ये क्या करता है, ओपन फाइल फॉर रीडिंग ओनली। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या करेगा? एनीवन इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो ये क्या करेगा, एरर देगा, इट विल शो एरर। कौन सा एरर देता है, मैं एरर बता देता हूं, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये डिफॉल्ट होता है। देखते हैं, तो एक मोड आपके पास आर है,
विच मीन्स कि आप ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए खोलता है। अच्छा, पाइथन के अंदर फाइलिंग आसान है एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या करेगा आदर? राइट करेगा, तो जी वी कैन राइट से ओपन फाइल फॉर राइटिंग ओनली। अच्छा, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है। इट ओवरराइट्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब आपके पास ऑलरेडी अगर फाइल बनी भी पड़ी है ना, और आपने वापस से डब्ल्यू से उसको उसी नाम से ओपन किया, मतलब राइट करने के लिए, पहले पुरानी वाली फाइल को वो क्या कर देगा, ओवरराइट कर देता है, मतलब एक नई फाइल बना देता है। तो उसका हल मुझे बताओ, रीडिंग हो गया राइटिंग हो गया, मैं चाहता हूं मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, मैं उसमें डेटा और ऐड कर दूं, क्या करूं? अपेंड, हमारे पास आ जाता है देन ए। ए स्टैंड फॉर अपेंड। अपेंड क्या करता है, ओपन फाइल फॉर अपेंड, ये कह सकते हैं एड न्यू डेटा एट दी एग्जिस्टिंग फाइल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने मोड अपेंड यूज किया, अभी तो एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा ऐड कर रहा है ना, अगर वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या करूं? ओ सॉरी, वो फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या किया जाए? मैंने अपेंड मोड यूज कर लिया, अभी तो एग्जिस्टिंग में ऐड कर रहा था ना, फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्या किया जाएगा? एरर नहीं बेटा, अपेंड का एक ये है, इट क्रिएट्स न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इसके बाद अच्छा कुछ मोड्स हैं जो मैं सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे भी आप लोगों को काम ही आएगा पाइथन में। एक्स एक्स भी एक अच्छा मोड है, क्या करना चाहिए? एनी गेस एक्स मोड क्या करेगा? डिलीट है फाइल? नहीं बेटा, ओपन कर रहे हैं तो डिलीट तो हो ही नहीं सकता, मोड है ये एक्सक्लूसिवली कह सकते हो कि राइटिंग के लिए करेगा। बट ये देखो तब फायदा है, मैं जैसे सपोज करो मैंने गलती से पर लगा दिया था राइट का फंक्शन, वो राइट मोड ऑन कर दिया था, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा, मतलब मेरा प्रीवियस डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा गलती से अगर कर दिया। तो एक्स क्या करता है, एक्स कंफर्म करता है क्या वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपन फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन, मतलब इसके लिए ये एरर देगा अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है।
हम ये कह सकते हैं दी स्पेसिफाइड फाइल मस्ट नॉट बी अवेलेबल, ठीक है, ये हर बार नई फाइल बनाएगा, अगर एक्सेस करती है तो एरर दे देगा। बेटा इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और आ जाते हैं, जैसे हमारे पास आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस, ये तीन छोटे छोटे मोड्स हैं, इनका कोई बता सकता है? आर प्लस ओपन फॉर रीडिंग, एंड देन राइटिंग। डब्ल्यू प्लस क्या करेगा? ओपन फॉर राइटिंग एंड देन रीडिंग। और ए प्लस क्या करता है? ओपन फॉर अपेंडिंग एंड देन राइटिंग। बेटा क्या ये सारे मोड्स क्लियर है? एक एक करके हम देखो, हमारे इसमें ये जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम इन तीन को क्लियरली चलाएंगे ताकि एक एक चीज को टेस्ट करें। अब हम बात करते हैं कि फाइल में डेटा लिखा कैसे जाता है, और इसी को आज इसी पे काम करेंगे, कल हम इंशाल्लाह रीडिंग पे काम करेंगे। तो हमने अभी बात की थी कि राइटिंग इनटू अ फाइल प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल। कैसे फाइल में डेटा लिखोगे? चला बेटा कुछ आइडिया है? राइट का मोड यूज करके कैसे? अब मुझे बताओ ना। चलो मैं एक सेकेंड, पहले एक और आपको बता देता हूं। टू मेथड्स आर यूज फॉर राइटिंग डेटा इन अ फाइल। अच्छा एक चीज याद रहे, चाहे हम रीड करें या राइट करें, हमारा सारा का सारा डेटा क्या होगा? फाइल में हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, सारा का सारा डेटा टाइप हम चाहे राइट करें या रीड करें, हम स्ट्रिंग में खेलते हैं। आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड होता है राइट का, दूसरा मेथड होता है राइट लाइन। राइट लाइंस होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, तो सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है, हम लिखते हैं फाइल का ऑब्जेक्ट जो भी है, फाइल हैंडलर का नाम या फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राइट, तो फाइल ऑब्जेक्ट इसमें कर देते हैं क्योंकि हम कुछ पीछे, और फिर हम यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं जो भी हम डेटा लिखना चाहें। बट डेटा की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। क्या सिंटेक्स क्लियर है? आदिल
ये हमने लास्ट क्लास में किया था, खैर मैं सही कर लिया था इसके, मैं उसमें नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अब एक कुछ दो तीन चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, मैं काम करता हूँ जो स्क्रीन शेयर करने के लिए इसमें। मैंने लिखा f इज इक्वल्स टू ओपन और वासिक cs.txt कॉमा मोड इज इक्वल्स टू राइट। मुझे 2 मिनट देने का। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला यह आता है कि अब मैंने यहां पर फाइल का नाम लिखा है, ठीक है, ये फाइल पता है कहाँ क्रिएट होगी? जहां मैंने अपनी ये जो पाइथन की फाइल क्रिएट की है ना, जैसे मैं यहाँ पर अगर ओपन फाइल पर जाता हूँ, जहां भी मैंने अपना पाइथन का, मेरा जहां भी वीएस कोड की जा रही है, क्या आ रहा है, ये वहां से मेरी फाइल उठाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे पाइथन की फाइल आपको नजर आ रहा है एड्रेस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये नजर आ रहा है, ये तो खैर मैंने अपना पाइथन का चला रहा हूं। तो आपके पास जहां ये आपने प्रोग्राम बनाया है ना, ये वहां पे चलता है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक पाथ की कंप्लीट लोकेशन बता देता हूं। मैंने कहा डी से, अब यहां पे आओ। मेरा क्या आपको यहाँ पे डी पे कोई भी वासिक सीएस के नाम से कोई भी चीज नजर आ रही है? फाइल फिलहाल फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तक क्लियर है बेटा? देखो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम फाइल में डेटा लिखने जा रहे हैं। फाइल में डेटा मैंने क्या किया, कुछ नहीं करता, मैंने कहा लिखने का मैं एफ डॉट, देखो फाइल हैंडलर का नाम, ऑब्जेक्ट का, फाइल ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था नाम, डॉट राइट। क्या राइट करना है? अभी हम फिलहाल एक ही चीज लिख देते हैं, हमने कहा हेलो वर्ल्ड। ये क्या करेगा फाइल में, क्या ये कंप्लीट है या और आगे कुछ बाकी रह गया है इसमें? सिर्फ मुझे हेलो वर्ल्ड लिखवाना था, फाइल क्लोज नहीं। ये बिल्कुल ठीक कहा था, हमें फाइल क्लोज करनी है। फाइल क्लोज कैसे होगी, एफ डॉट क्लोज खत्म बंद, रन करते हैं। बन गई और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। आदल ये चीज क्लियर है? नाउ डू वन थिंग, क्रिएट अ फाइल, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, मैं अगर यहाँ पे फाइल का ये एक्सटेंशन मेंशन नहीं करता,
कौन सा ये, तो क्या होता मेरी जो फाइल बनती वो कहाँ बनती, सी यूजर्स मोहम्मद वासिक untitled.1untitled-1.py पे जाके बनती, उस फोल्डर में बनती ये बात। बना के पहले दिखा देता हूँ ताकि आप लोग तो अंदाजा हो जाए, मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है, जहां पे ये मेरा चल रहा है ना सॉफ्ट, इसकी जगह को हम ढूंढ लेते हैं। जगह क्या है हमारी, सी में यूजर्स पे मोहम्मद वासिक, सी में हम गए यूजर्स में गए, वहां पे मोहम्मद वासिक पे गए, यहाँ पे क्या अनटाइटल्ड डैश, ये यहाँ पे कोई भी वो फाइल नजर नहीं आ रही, ये बना हुआ ठीक है हमारा पाइथन की फाइल। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे प्ले करता हूँ, स्टार्ट किया है, गई फाइल। इससे पहले ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आप जब पाथ मेंशन नहीं करोगे तो वो जहां आपका ये फाइल रन हो रही है ये वहां पे फाइल बना देगा। क्या ये बात क्लियर है? रीड करने के लिए भी फिर हमें यही करना पड़ेगा कि अगर हम जब भी फाइल रीड करेंगे, या तो अगर वो हमने पाइथन की जो ये फाइल बनाई है ये उस जगह पे नहीं बनाई, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैंने ये पाइथन की फाइल बनाई सपोज करो डी केस में बना दी, और मेरे पास वही सारी टेक्स्ट फाइल पड़ी है, तो मुझे पाथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसी फोल्डर में। अगर फोल्डर डिफरेंट है या ड्राइव डिफरेंट है तो आपको कंप्लीट पाथ मेंशन करनी पड़ती है रीडिंग के वक्त भी और राइटिंग के वक्त भी। तो नाउ मैं अब आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, करो, उसके बाद फिर इस पे फर्दर चीजें खेलते हैं। क्रिएट अ फाइल, फाइल का नाम मैं आपसे दे रहा हूँ पाइथन फाइल हैंडलिंग एंड राइट अ डेटा, डेटा लिखो हेलो, वर्ल्ड सेपरेटली इन टू लाइन्स, क्या लिख सकते हो? परफेक्ट, लिखो आदिल ट्राई। आप पाथ अभी फिलहाल कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी मेंशन कर लेना, मसला नहीं है। मसला यही तो आएगा बेटा, आपने क्या किया होगा, देखो अब फर्क मसला क्या आता है, मैंने एफ डॉट राइट लिखा ना, ये राइट का फंक्शन क्या करता है कि आपने ये बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेके जाता है, ये कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कैरेक्टर्स हैं। ये 11 कैरेक्टर्स मतलब मेरा जो कर्सर है ना इस फाइल में वो यहाँ पे लाके छोड़ देगा। अब तुमने अगर वापस यहाँ पे ये भी लिखा ना, मैंने लिखा एफ डॉट राइट ओके, और उसमें मैंने ये डाल दिया, ये फाइल को बंद करते हैं। ठीक है, और अब इस फाइल को जाके देखते हैं, तो अब देखो ये क्या हुआ, हालांकि मैंने दूसरी लाइन पे लिखा लेकिन मेरा इसने जो मेरा कर्सर छोड़ा हुआ था, सही है, वो कहाँ छोड़ा हुआ था, वो वर्ल्ड के डी के बाद छोड़ा हुआ था। हमें लाइन चेंज करने का, यहाँ पे अलग लाइन लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो लाइन को चेंज करेगा, बेसिकली फाइल में लिखने का मतलब कि आपका कर्सर कहाँ घूम रहा है, हमें कर्सर को नीचे लेके जाना है। कर्सर को नीचे लेके जाने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आपने एक वर्ड ऐड करना होता है,
उसको मैं फिलहाल इसी के अंदर करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं हेलो और वर्ल्ड को अलग अलग करना था ना मुझे। अच्छा दूसरी चीज देखो, मैंने W का ऑप्शन रखा हुआ है, तो वो कर क्या रहा है, हर बार नई फाइल क्रिएट करता है, जो कुछ मैं अभी देखता हूँ लिखने के लिए वही सब कुछ दे देता है। मैंने हेलो वर्ल्ड देखा, उसे हेलो वर्ल्ड दिया, मैंने हेलो वर्ल्ड के वापस प्रिंट करवाया वो मोहम्मद वासिक लिखा, तो वैसे क्या करना चाहिए था इसको, हेलो वर्ल्ड वहीं रहने देना चाहिए था और हेलो वर्ल्ड और मोहम्मद वासिक लिखना चाहिए था अलग, बट वो हर बार नई फाइल क्रिएट कर रहा है। मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डालूंगा \n। ये जो आपका \n और n है, ये एक समझ लो एंड ऑफ लाइन का होता है। अब देखो, हो गया, समझ आया? तो मतलब हमें जब भी कोई करेक्टर एंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम पे लेके जाना होगा हम, ये रीडिंग के वक्त भी बड़ा काम आएगा, इसको बताऊंगा कैसे करते हैं। ये जब हम प्रिंट भी लिखते हैं ना, या हम जैसे दो दफा मैं प्रिंट लिखता हूं, अगर इस पूरे प्रोग्राम को मैं कमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं बेटा यहाँ पे ये भी लिखता हूँ प्रिंट हेलो प्रिंट वर्ड, तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपके पास यहां पे एंड में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है? तो ये खुद ब खुद क्या कर देता है, नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। जैसे यहाँ पे अभी उसको देखते हैं प्रिंट करके, हमारे टर्मिनल में प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा, अलग आया। अब मैं चाहता हूं ना ये अलग इसी तरीके से लिखा है और उसकी वो खत्म कर दूं, तो कॉमा जो लाइन का एंड है उसको एम्प्टी कर दो। अब देखो, हो गया, एंड जो लाइन प्रिंट का जो एंड था उसके पैरामीटर में ऑटोमेटिकली सेकंड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या था, स्लैश एन था, मैंने उस पैरामीटर को एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, तो उसने क्या कर दिया वो एन हटा दिया, तो हमारे पास सेम लाइन पे लिखा हुआ आ गया। ये अभी जब हम रीड फाइल करेंगे तो उस पे काम करेंगे, क्या ये चीज क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास मुझे मल्टीपल डेटा लिखवाना लाइन का, देखो स्लैश एन का मतलब ये आ गया कि मैं अलग अलग लाइन पे अब कैसे जा सकता हूँ। मुझे यूजर्स है 5 नेम इनपुट लेना है और उनको फाइल में सेव करना है, आज द यूजर टू इनपुट 5 नेम एंड सेव दोज नेम इन द फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी। कर सकते हो बेटा? ओके ट्राई।
हाँ तो बेटा वेरिएबल में असाइन करोगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेरिएबल के साथ। अच्छा देखो, आपने ये लिखा, बाकी कोड लिखो, क्या लिखा है आपने? मैं चलो लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल्स टू, आपने कहा फाइल ओपन करो, ठीक है, फाइल का नाम क्या है? नेम्स डॉट टीएक्सटी, मोड, अच्छा मैं अगर मोड ना लिखूं डायरेक्ट ये भी लिख दूं ना, तो बेटा बात ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ना कि वो आपको ऑर्डर में लिखना होता है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5 टाइम्स, नाउ मैंने वेरिएबल लिया स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर स्टूडेंट नेम। अब इसको कहाँ जाके लिखना है? फाइल में, तो फाइल में कैसे लिखेंगे? मैंने कहा एफ डॉट राइट, फाइल में लिखना क्या है? स्टूडेंट नेम। लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट नेम ऐसा लिख दिया तो मसला क्या आ रहा है, जो तुम्हारे साथ इशू आ रहा है वो क्या आ रहा होगा? एक ही लाइन में सारे नाम आ रहे होंगे, ऐसा ही है। जब मैं फाइल को पहले क्लोज कर देता हूं, स्टार्ट करते हैं, नाम डालते हैं, चेक करते हैं, जल्दी जल्दी से 5 अच्छे अच्छे नाम बताओ। पहला नाम मैंने अपना डाल दिया, देन तलहा डाल दिया, देन आज तो बहुत ज्यादा है, गोविंदर जोगी, इसको डाल दिया, अलीना को ले आए और अली को ले आए, फाइल बन गई, देखते हैं ये बनी हुई नेम्स और टीएक्सटी, खोलते हैं, नाम तो ऐसे आ रहे हैं, मैंने कहा था अलग अलग लाइन में चाहिए, तो क्या करूं? आपने जब नाम एंटर किया, मैंने कहा प्लस करो एन, और अब ये जब एन को उसके साथ प्लस करेगा, जो भी मेरी स्ट्रिंग है, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं देखे बेटा, तो ये क्या करेगा? खुद ही नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। अब देखो, हम यही नाम वापस डालते हैं, मैंने कहा वासे तलहा रविंद्र जोगी अलीना एनरी, अब नेम डॉट टी एक्स टी को खोल के देखते हैं, हो गए? क्या ये चीज क्लियर है? कुछ और खेलते हैं अब, लिस्ट में से ना। अच्छा मैंने एक बताया था आपको, राइट सपोज करो, अगर मैंने एफ डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, राइट लाइन, ये राइट लाइन्स किस काम आता है? ये जब आपको पूरा पूरा एरे या लिस्ट उठा के आपको अपने उसमें लिख सेव करना होता है ना, जब आपकी फाइल के अंदर, तो हम ये लिखते हैं पूरी लिस्ट एज इट इज उठा के डाल देगा, लेकिन अभी हम फिलहाल राइट लाइन को छोड़कर राइट पे ही रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है राइट लाइन की अभी फिलहाल, ना हमारे सिलेबस में नीड पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ एनिमल के नाम से, ठीक है, उसमें नाम दे देते हैं, एंट हो गई, बी हो गई, सी से कैट आ गई, ठीक है, डी से हमारे पास डॉग आ गया, ई से ईगल ले लेते हैं, एनिमल ही है चलेगा, जी से गोट हो गया, देन वी हैव हॉर्स, फिर हमारे पास पैरट है,
रेड जीब्रा, और ये एक्स एक्स मीन्स के लिस्ट का एंड है। कितने एलिमेंट्स हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11, 11 एलिमेंट्स। बेटा एक्स एक्स को जो छोड़ के बाकी सारे डेटा को लिस्ट में लिखवाना है, लिखवा सकते हो पूरी लिस्ट को फाइल के अंदर। मैं चलो क्वेश्चन बना देता हूँ। राइट दीज एनिमल नेम्स फ्रॉम दी एरे, ऑल्दो ये एक लिस्ट है, इनटू दी फाइल, फाइल का नाम दे देता हूँ एनिमल फाइल डॉट txt। लाइन वाइज आ गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ। पहले मैंने फाइल खोली, एनिमल फाइल, ठीक है मैंने उसको लिख दिया, नाम सही हो जाएगा। एफ ही ले लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू ओपन, क्या ओपन करना है हमें? फाइल का नाम है एनिमल फाइल डॉट टी एक्स टी कॉमा राइट के लिए खोल दिया मैंने। मोड लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैं क्योंकि इंडेक्स के साथ चला रहा हूँ तो मैंने कह दिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1। जीरो से लेके चलते हैं, तो मैंने कहा वाइल मेरा जो एनिमल है उसमें जो इंडेक्स है वो अगर नॉट इक्वल्स टू एक्स एक्स है तो क्या करे? एफ डॉट राइट, क्या चीज राइट करे? मैंने कहा एनिमल के जो भी इंडेक्स है वो, लेकिन साथ साथ क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मैंने ये लिख नेक्स्ट लाइन इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1। खत्म। कुछ ये आ गई एनिमल फाइल, एंड बी कैट डॉग ईगल गोट हॉर्स पैरट रेड एंड जीब्रा, आखिरी लाइन आपके पास ये था, जीब्रा था। सही है, फॉर का लूप लगाओ तो एक कम कर देना। ये चीजें क्लियर है बेटा? बस आज की क्लास को यहाँ रोकते हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फाइल से डेटा कैसे रीड करते हैं, ये सारा जो लिखा है उसको रीड करके हम लिस्ट भी बनाना लिस्ट भी बना लेंगे, सारे काम कल इंशाल्लाह करते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करना है, फाइल को चेक कैसे करना है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कल करेंगे। मतलब अब समझ लो हम P4, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डायरेक्टली जो हमारा, बस समझ लो P4 स्टार्ट ही है। अब पाइथन के बेसिक्स पे तो बात नहीं कर रहे।